सरकार जो ममता दीदी कहते थे, जिसको मैं कहता हूँ ममता दीदी नहीं, ममता दादा है। ममता दादा ने आज हमारे भोले भाले गोरखा लोगों को, जो भारतवर्ष के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान गोरखाओं को था, उनकी हत्या कर रही है। 8-10 लोगों को वहां निहत्ते लोगों को मार दिया गया। मैं रोज टीवी में देख रहा था और गोरखालैंड जाने की मैंने दावा पाकरीन से कहा, मैं गोरखालैंड में आ रहा हूं, सबसे पहले मैं मरूंगा। अभी एक महीना पहले मैं गोरखालैंड में गया था और दार्जिलिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कहा था कि एक दिन आएगा ये ममता दादा बंगालियों को यहां बसाएगी। एक महीना पहले मैंने आप लोगों को ये कहा था, आप लोगों ने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, वही आज हो गया। और मैंने एक और बात कही थी जिसकी आज मुझे खुशी है कि आप सारी पार्टियां, मैंने कालीपोंग में कहा था कि सारी पार्टियां एक हो जाइए, गोरखालैंड अब जरूर मिलेगा, अब समय आ गया। ममता को भी मैंने लेटर लिखा था कि गोरखालैंड आपका कोई हिस्सा नहीं है, गोरखालैंड आपकी भाषा का भी कोई हिस्सा नहीं है, और सुना है कि वहां बंगला भाषा अनिवार्य कर दिया गया। तो मैं कहता हूं उन किताबों को फाड़ दो, उन आवाजों को बंद कर दो, जो इस तरह की जीभ चले उनकी जीभ काट दो। मैंने 4 राज्य बनाए हैं, फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। कोई भी राज आप जानते हैं कि थाली में रखकर नहीं दिया गया, बड़ा संघर्ष हुआ, मैंने सारे संघर्ष देखे हैं। सारी सरकारों ने कहा हम आपको एमपी एमएलए बनाते हैं, लालच दिया, लेकिन आज मैं आपकी तरह ही एक मामूली इंसान हूं। आज मेरे पास ना कोई एमपी एमएलए का तमका है, ना कोई है, सिर्फ एक तमका है कि मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष में जितनी भी राज्यों की डिमांड है वो अलग अलग से राज्य मांगे और अपनी तरक्की खुद करें। गोरखालैंड में मैंने कहा था अभी एक महीना पहले कि मालदा में जो बंगाली जो इन्होंने किया, कितने आदमी मारे, जहां बांग्लादेश के मुसलमानों ने अत्याचार किया, दुकानें फूंक दी, थाने फूंक दिए, क्या किया गया, कुछ किया? इसलिए ये बंगाली, मैं तो कहता हूं कि ये ममता हिंदू ही नहीं है, मुसलमान है। मुसलमान बांग्लादेशी यहां पर आ रहे हैं और अपनी वोट बना करके दीदी को दादा बना दिया उन्होंने। ममता दीदी एक भोली भाली जिसको बंगालियों ने चुना और उसको सीएम बनाया, आज वो बांग्लादेश की वोटों से बंगला ममता दादा बन गई। बांग्लादेश के कितने लोग आकर के यहां फंस रहे हैं, आपने देखा होगा, सिल्लीगुड़ी और दार्जिलिंग तक, कालीपोंग और सिक्किम तक, सब जगह हाथ मार रहे हैं। उनकी वोटें बनाई जा रही हैं, उनका राशन कार्ड बनाया जा रहा है, उनका आधार कार्ड बना करके वोट बैंक बनाया जा रहा है, सारे प्रदेश बन गए। पहाड़ आप चारों तरफ नजरें उठा करके देखिए, गोरखालैंड की मांग 100 साल पुरानी है, अंग्रेजों के टाइम की मांग है। सारे राज बन गए, जितने भी पहाड़ में राज्य थे, उत्तराखंड एक बचा था, उत्तराखंड भी बन गया। लेकिन गोरखों के साथ इतना बड़ा अत्याचार के इसको आज तक राज्य नहीं बनाया गया। कारण आप समझते हो कि कारण क्या था? कारण था हम क्षत्रिय लोग हैं, मैं भी क्षत्रिय हूं, आप भी क्षत्रिय लोग हैं। क्षत्रिय लोग आपस में लड़ते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो सब एक होकर के यहां जंतर मंतर पर आए हैं, तो आज अब राज्य बनेगा।
रोशनगिरी तो मेरी ही सेना का सिपाही है, आप जानते हैं या नहीं जानते, वो मेरी ही सेना का सिपाही है। 90-2000 में मैंने उसको यूथ फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया था। तब से वो गोरखा की लड़ाई आज से नहीं, बहुत पुराने समय से लड़ रहे हैं। विमल गुरुंग, उनसे भी मैंने कहा कि ये जो अटॉर्नी काउंसिल ये दीदी दे रही है, ये एक लालच है, इस लालच को त्याग दीजिए। एक दिन ये लालच ही आपकी मौत का कारण बनेगा। आज वही दिन देखने को मिल रहा है। सुभाष घिसिंग ने कहा था कि अगर राज लेना है तो उनके किचन में घुस जाइए, जब किचन बंद हो जाएगा तो अपने आप राज देंगे। बहुत अच्छे लड़ाकू थे, वो भी इसी फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अब ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए जब तक गोरखा लैंड नहीं बनेगा। और अब ये लड़ाई भारत वर्ष की लड़ाई है, ये गोरखों की लड़ाई अब नहीं रही, अब ये भारतवर्ष की लड़ाई है, भारतवर्ष के लोगों की लड़ाई है। जो भारतवर्ष के लोगों के लिए गोरखों ने काम किया, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि वो गोरखों के साथ आकर के खड़े हों। ये लड़ाई अब गोरखों की लड़ाई नहीं रही है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि बुंदेलखंड, पूर्वांचल, विदर्भ, हरित प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सभी लोग, सब लोगों को मैंने लेटर लिखा है, जो राज बन गए और जो राज बनने जा रहे हैं, सभी लोगों को मैंने लेटर लिखा है कि सबसे पहले अब गोरखा लैंड बनना चाहिए, उसके समर्थन में आना चाहिए। अभी हम विदर्भ में एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के हमारे दोस्त हैं रमन सिंह, उन्होंने कहा है कि बाबा मैं तुम्हारी मीटिंग में आऊंगा और गोरखा लैंड और विदर्भ का समर्थन करूंगा। और इसी तरह से झारखंड के लोगों से, और उसमें गडकरी जी ने ये कहा है कि हम आपकी फेडरेशन की अध्यक्षता करेंगे। तो मैं गोरखों को ये बताना चाहता हूं, जब भारत सरकार ये चाहती है कि कुछ राज्य बने, गोरखा लैंड बने, तो फिर इसमें गोरखों को क्यों मरवाया जा रहा है, बंगाल से क्यों मरवाया जा रहा है। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, और मैं पीछे गृह मंत्री से भी मिला था, गृह मंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले भी हम प्राइम मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं, गृह मंत्री से भी मिल चुके हैं, और काफी एमपीओ से हम मिले हैं, और हम एक अभी एक साक्षरता अभियान शुरू कर रहे हैं। उसमें जो एमपी हमारे समर्थन में आएगा उसके हम साइन कराएंगे कि पार्लियामेंट में एक विधेयक लाओ। तेलंगाना में क्या हुआ आप जानते हैं, आपके साथ है। तेलंगाना में विधानसभा से कहा पार्लियामेंट ने कि विधानसभा से प्रस्ताव लाइए, लेकिन विधानसभा से प्रस्ताव नहीं आ सकता था, कारण आंध्र विधानसभा में 295 के करीब एमएलए थे और तेलंगाना में 110-125-12 के करीब एमएलए है, तो विधानसभा से प्रस्ताव नहीं आ सकता था। हमने कहा विधानसभा से प्रस्ताव की जरूरी नहीं है, आप धारा संसद की धारा 2 और 3 के तहत नहीं, 2 के तहत विधानसभा में, लोकसभा में प्रस्ताव लाइए। जहां पर विधानसभा के प्रस्ताव की जरूरत नहीं होती, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, जो हमारे गोरखा लैंड के लीडर है, अगर आपसे ये बात कही जाए कि विधानसभा से प्रस्ताव लाइए तो आपकी बात को आनाकानी करेंगे। सरकार से मैं यही आग्रह करता हूं कि धारा के दो के तहत प्रस्ताव लाइए जिसमें विधानसभा के प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं। तो संविधान की एक खामी है, संविधान में 1, 2, 3 धाराएं हैं जिसमें धारा 1 में कोई भी प्रस्ताव विधानसभा भेजे उस पर विचार करे या ना करे,
धारा 2 में केंद्र प्रस्ताव करे उसमें विधानसभा प्रस्ताव आए या ना आए वो किसी भी राज्य का हिस्साकरण या किसी राज्य के टुकड़े या नामकरण कर सकती है केंद्र सरकार। धारा 3 में है कि केंद्र सरकार विधानसभा से मांगे हम गोरखालैंड बना रहे हैं और गोरखालैंड बनाने का प्रस्ताव ममता दीदी से आए ममता दादा से आए ऐसा संभव नहीं। इसलिए हम भारत सरकार से चाहते हैं कि जिस तरीके से तेलंगाना बना उसमें विधानसभा के प्रस्ताव आपने देखा होगा किरण को कई बार प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई लेकिन प्रस्ताव नहीं आया। आप लोग जानते हैं पढ़े लिखे प्रस्ताव नहीं आया। हमारे एमपीओ ने लोकसभा में कहा कि धारा 3 के तहत नहीं धारा 2 के तहत प्रस्ताव करिए। कितने सालों से 60-70 सालों से तेलंगाना का आंदोलन चला इसी कारण चला कि वहां की विधानसभा से हर बार प्रस्ताव मांगा गया जो वहां निरस्त कर दिया गया। वही आपके साथ होने वाला है। केंद्र सरकार मांग भी जाएगी कहेगी हम गोरखालैंड बनाना चाहते हैं और वो विधानसभा का प्रस्ताव मांगेगी लेकिन विधानसभा से प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। इसलिए मैं सभी गोरखों से आग्रह करता हूं कि कभी भी आप धारा 3 के तहत प्रस्ताव न करें गोरखालैंड का प्रस्ताव 2 के तहत पार्लियामेंट में रखा जाए। ये बारीकियां हैं राज्य बनाने की, ये बारीकियां हैं राज्य को अलग करने की। वो सारी बातें क्योंकि मैं इसमें 30 साल से लग रहा हूं और 4 राज्यों का निर्माण किया हमें सब बातों का पता है। इसलिए गोरखे जितने यहाँ लोग हैं बहकाए में कभी मत आना। केंद्र सरकार ये कहे कि मैं राज्य बना दूंगे आपको बहकाएगी और कहेगी प्रस्ताव लाइए प्रस्ताव आएगा नहीं। इसलिए विमल गुरुंग रोशनगिरी दावा पाखरे और जितने भी गोरखालैंड के लीडर हैं मैं उनसे कहता हूं हमारे एक एमपी हम प्रस्ताव रखवाने की उसमें है गोरखालैंड का प्रस्ताव। प्रसन्ना पटसानी हमने कहा है कि प्रसन्ना पटसानी जी आप एक प्रस्ताव प्राइवेट प्रस्ताव लाइए तो मैं इनसे निवेदन करता हूं कि उनके पास चलिए जो यही 11 महादेव रोड पर रहते हैं वो पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाएंगे शुरुआत हो जाएगी और वो धारा 2 के तहत प्रस्ताव बना के देंगे। उसके बाद हमारी जो ये लड़ाई है वो सक्सेसफुल हो जाएगी नहीं तो ये लड़ाई लड़ाई के तरीके से ही रह जाएगी कि गोरखालैंड मांगते ही रहोगे जन्म निकल जाएंगे कई जन्म निकल जाएंगे। इसलिए इसमें गौर करने की जरूरत है इसमें कूटनीति की जरूरत है। कोई भी केंद्र सरकार राज बना सकती है और ममता का कोई उसमें हक नहीं। अगर वो 2 के तहत प्रस्ताव ले आए तो आपका राज निर्माण हो सकता है। इसलिए सब लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि अब लोहा गर्म है और सरकार भी कुछ राज्य बनाने चाहती है और सरकार भी देख रही है कि ममता दादा ने कितना जुलम उठाया है आप लोगों पे सरकार भी देख रही है। इसलिए ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए और यहां पर जब तक गोरखालैंड ना बने तब तक धरना जारी रहना चाहिए। अगर मेरी जरूरत हुई मेरी आज उम्र 75 साल की हो गई है अगर मेरी आपको जरूरत हुई तो मैं यही चारपाई बिछा करके यही अपना दाह संस्कार कर लूंगा। जय गोरखालैंड।